फ्रेंड अगर आप ऐसी ही वेडिंग फ्लावर डिजाइन बनाना चाहते हो तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। तो फ्रेंड इस पेंटिंग के लिए लेता हूँ मैं पिंक नियोन कलर, फैब्रिका का एक्रेलिक कलर, ओके दोस्तों, और वाइट कलर। तो वाइट को एक साइड में लगा लेता हूँ ब्रश एक साइड में, और दूसरे साइड में लगा देता हूँ पिंक कलर को, नियोन का है ये। है इस पेंटिंग के लिए मैं फैब्रिका एक्रेलिक कलर यूज कर रहा हूँ, और ब्रश जो कि है 2 इंच वाला है, ओके फ्रेंड, अरोरा कंपनी का है, और पिंक कलर को ऐसे लगा देता हूँ, ओके फ्रेंड, और फिर से लेता हूँ वाइट एंड पिंक। ये देखिए साइड में, एक साइड में लगा लेता हूँ वाइट और दूसरे साइड में पिंक कलर को, फिर ऐसे ताकि अच्छा दिखाई दे, ओके फ्रेंड, ये ऐसे। और फिर लगाने वाला हूँ ब्राउन कलर को बॉर्डर में और बीच में येलो कलर, ये रेड कलर को लगा देता हूँ, और ब्रश की सहायता से इसको अच्छी तरह से ऐसे मिक्स कर लेता हूँ ताकि अच्छा दिखाई दे, ओके फ्रेंड। तो फ्रेंड वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए, सिंपल वेडिंग फ्लावर डिजाइन है, आप इसे देखकर आसानी से सीख सकते हो, ओके फ्रेंड। इस पेंटिंग में मैं एक्रेलिक फैब्रिका का नियोन पिंक, ऑरेंज, वाइट, येलो, ब्राउन एंड ग्रीन कलर का यूज कर रहा हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। तो फ्रेंड अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लें। तो देख सकते हो लेता हूँ मैं ऑरेंज और दूसरे साइड में फिर ये वाइट कलर को, ये ऑरेंज लगा देता हूँ ऐसे, ओके फ्रेंड, ये फिर से वाइट एंड ऑरेंज, और बीच में ये येलो कलर, ये फिर से रेड कलर को ऐसे लगा देता हूँ, और अच्छी तरह से ब्रश से ऐसे मिक्स कर लेता हूँ ताकि अच्छा दिखाई दे, और ये ब्राउन कलर को फिर ऐसे बॉर्डर में लगा देता हूँ, ओके फ्रेंड। ये फ्लावर जैसे कि आप देख सकते हो बड़ा ब्रश लेता हूँ और ऐसे ऐसे मिक्स कर लेता हूँ ताकि अच्छा दिखाई दे। तो फ्रेंड अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, तो वीडियो को आखिर तक देखते रहिए, ओके फ्रेंड।